अगर भैया सीन्स कुछ ऐसे हैं कि मैंने आने की वीडियो तो बनाई नहीं और आने की कोई शॉर्ट्स भी नहीं लिए, बस मैं यहाँ से लेके जाऊँगा। और ये सर का घर है, ये कार्टन है, और इस कार्टन में हम सर का डेस्कटॉप लेके जाएंगे। कुछ इम्पोर्टेंट फाइल्स सर को भेजनी है, सर आउट ऑफ स्टेशन कुछ काम से। हाँ तो भैया सामान हमने रख दिया है, हम बस वेट कर रहे हैं अपनी कैब की। तो कैब आती है, हम वापस अपने घर। देना है किसी को रास्ता में, हमको देना है तो देके निकलते हैं। बहुत भूख लग रही है, ब्रेकफास्ट भी नहीं किया, चाय पीऊँगा इस तरह। मिलते हैं बाद में, तब तक सीन्स देखिए। I know they hate it or love it. Hate it or love it. You know I love when they hate it. Love when they last year was living basic. Nah. Haters on the other side. Three up, three between the lines. Know I got some angels with me. Made it through some evil times. Late night on some demon time. Pour the spread, I need love. I can't lock it, see the line. Freeze time. Brainstorm. You can assume with your chains on. I can see none with the lights off. Cap, you been the main one. Coolin' when I got my mains on. Show money, but those aren't the same ones. I been told you that it was game on. Been winning since I was on game one. Go, go, go. Telling me how to live like you made me. Go dumb and I blame you made me. Money longer than a grown up baby. Scared crazy in a new Mercedes. Thinking that's about it. हाँ तो भैया सीन्स कुछ ऐसे हैं कि वो डेस्कटॉप मैंने लेके आके आस्था को दे दिया है। और So it has a fruity profile with citrus and berries like flavors for That's called training class चल रही है food and beverage की। और मुझे बनाना है चाय अपने लिए। हाँ तो भैया मेरी चाय ऑलमोस्ट बनने वाली है, और इसके बाद मैं थोड़ा पबजी खेलूँगा क्योंकि शाम को मेरा टूर्नामेंट है। तो सीन्स ऐसे थे। ओ चाय 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 बच गई, चाय बन चुकी है भाई। आधा का बोर्ड, 10 बादाम और 2 केले, 12 MA तक पेट फूल रहता है और हेल्दी भी बहुत है। सक्सेस का राज देखिए सर, सक्सेस का राज ओट्स, उसके साथ 2 केले। और फिर फिर आता है ये फिर ये बड़ी चीज है भाई। थोड़ा सामान लेने जा रहा हूँ क्योंकि शाम को मॉर्निंग में 7 बजे से 11 बजे तक से सामान ले सकते हैं, उसके बाद मार्केट पूरी बंद है। तो थोड़ा थोड़ा सामान चाहिए घर के लिए, तो लेने चल रहे हैं। साहब सब भी मेरे साथ है, इसको भी सामान लेना है। बस हो गया भाई, ब्लॉग में आ गया भाई। ये मौसम बहुत सेक्सी चल रहा है, और सब भी अभी अपना कार्ड गेट पास बेसिकली लाना भूल गया है, तो गेट पास लेके आएगा, उसके बाद चलते हैं कुछ सामान लेके आते हैं। भैया मुंबई की गर्मी इतनी खतरनाक हो रही है कि अभी देखो मैं 5 मिनट भी नहीं हुए ढंग से और पसीना आना स्टार्ट हो गया है। ठीक है, तो सीन्स ऐसे हैं मुंबई के, कोविड फैल रहा है और फैलता जा रहा है, पर हमको होम क्वारंटाइन हो रहे हैं तो होम क्वारंटाइन होते जा रहा है। हाँ तो भैया सीन्स कुछ ऐसे हैं कि मुंबई में थोड़ी सी हालत बहुत ख़राब है। एक तो गर्मी बढ़ रही है, ऊपर से केसेस बढ़ रहे हैं, और ऊपर से लॉकडाउन लग चुका है 15 दिन का। और अभी सिचुएशन ऐसी है कि हमको सुबह 7 बजे से दिन में 11 बजे तक शॉप्स खुली रहेंगी बस, और तभी हम जो भी है छोटा मोटा सामान ले सकते हैं। दिल्ली में भी सेम केसेस चल रहे हैं, लॉकडाउन वहाँ भी चल रहा है, और दोनों और किसी भी हॉस्पिटल में कोई भी बेड अवेलेबल नहीं है। और एक चीज़ और बोलनी थी, अगर आप मुंबई और दिल्ली जैसी गर्म सिटीज़ में आप लोग रहते हैं तो डिहाइड्रेशन से बचने के लिए आप लोग पानी ज़रूर पीते रहें, क्योंकि तबीयत बहुत ख़राब हो रही है वैसी लोगों की। और ऊपर से कहीं अगर बाई चांस वेदर चेंज या फिर कुछ हुआ और फीवर आया तो हॉस्पिटल वाले भैया लेने से रहे, तो अपनी देख रेख आप खुद कर सकते हैं, बस ये बोलना था। भैया अभी सीन्स कुछ ऐसे हैं कि गुड मॉर्निंग हो रही है, सो चाय पी रहे हैं, और कोविड के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा। मुंबई दिल्ली हर जगह मतलब बेड नहीं है, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है। मैं इंस्टाग्राम में देख रहा हूँ बहुत लोग पोस्ट डाल रहे हैं, इफ़ यू नीड एनी ऑक्सीजन सिलेंडर देन कॉन्टैक्ट दिस दैट। सो
नाउ दिस इज वेरी क्रिटिकल। सो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने घर पर आएँ यार, और अगर बाई चांस कुछ होता है तो होम क्वारंटाइन इज द बेस्ट थिंग, एंड डॉक्टर एडवाइस करें उसके बाद, क्योंकि बेड्स बिल्कुल नहीं है। अगर कहीं बेड्स अवेलेबल भी हैं तो वो किसी ना किसी सीरियस पेशेंट्स जो जिनकी एज 50 प्लस 60 प्लस है उनको मिल सकता है। तो प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस। एक चीज़ और बोलनी थी, मैंने बहुत सारे इंस्टाग्राम के स्क्रीनशॉट ले रखे हैं जिन जिन ने डिटेल भेजी थी कि ऑक्सीजन सिलेंडर इंजेक्शन एंड बेड्स कहाँ कहाँ पे अवेलेबल हैं। इफ़ यू नीड, इफ़ यू रिक्वायर दैट, प्लीज़ इंस्टाग्राम में मेरे को यू नो डीएम कर दें, पर्सनली मैसेज कर दें, मैं आपको व्हाट्सएप नंबर दे के उसमें सारी फ़ोटोज़ भेज दूंगा। अगर उनमें से आपको कोई हेल्प हो पाए तो दैट्स गुड फॉर मी। सो बस एक हेल्प करने की कोई कोशिश है। सो गाइज आज के लिए इतने रखते हैं, मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड साइनिंग ऑफ, बी सेफ, स्टे ह्यूमन।